एंड अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीबडी हाउ यू ऑल हियर टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्टोर आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर वन होल नंबर लास्ट ईयर तक भी आपने होल नंबर पढ़े थे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर वन इसमें हम क्या करेंगे लास्ट ईयर आपने जब पढ़े थे नंबर्स तो आपने टेन थाउजेंड तक पढ़े थे आज हम क्या टेन थाउजेंड से वन हंड्रेड का जर्नी जो है हम इस लेसन नंबर एल करना, 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 करना। तो लेसन लेसन उसका हम एस देखेंगे ओ क्या है आइडेंटिफाई प्लेस आपको प्लेस वैल्यू आइडेंटिफाई करना है कहां से कहां तक अपन हंड्रेड थाउजेंड वन हंड्रेड थाउजेंड तक हमने डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज को क्या करना है आइडेंटिफाई करना है ये हमारा आज का एस है और इसको बेहतर तौर तो पर समझने के लिए हमने आपके लिए क्या किया है लेसन प्लान अपलोड कर दिया है आप इसको डाउनलोड करेंगे इसको डाउनलोड करने से इन तमाम चीज़ों को समझना आपके लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा तो आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लास्ट ईयर आपने क्या पढ़ा था आपने टेन थाउजेंड के नंबर पढ़े थे यहाँ आपके सामने थाउजेंड में नंबर गिवन है आपने क्या करना है आपने ये देखने ब्लैंक बॉक्सेस दिए हुए हैं ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है ये ये यहाँ ये फुल ब्लैंक दिया हुआ है आपने क्या करना है जल्दी से टीचर को ये फिलअप करके दिखाने हैं टीचर इनसे अगर आप चाहें तो रिटर्न फिलअप करवा लें चाहे तो वन बाय वन बच्चों से वाइट बोर्ड पर करवा लें जैसे आपको सुटेबल लगे आप उसी तरह बच्चे से करवाएं और जैसे ही इसको ये कंप्लीट कर लें तो हम दोबारा ज्वाइन होते हैं तो आई एम वेटिंग फॉर तो इस एक्टिविटी को जल्दी से कंप्लीट करें थैंक यू टीचर्स अब हम चलेंगे वार्म अप एक्टिविटी की तरफ अभी बच्चों ने क्या बताना है ये एक नंबर गिवन है 9457 थाउजेंड यहाँ पे डिफरेंट नंबर गिवन है द वैल्यू ऑफ नंबर सेवन इज़ आपने क्या करना है इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है वहाँ पे तो जल्दी से लिख के टीचर को बताएं टीचर अगर आप इनसे ये औरली पूछना चाहें तो आप और पूछ सकती हैं इसका मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे के जहन में हमने लास्ट टाइम पढ़े थे टेन तक डिजिट्स तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या बच्चे को वो तमाम नंबर याद हैं या नहीं याद तो ये आप बच्चे से क्लियर करवाएं अगर बच्चों को नॉर्थ सिस्ट्री का आप एक ही नंबर दें आप दो तीन चार पाँच नंबर दे के बच्चे को जब आपको पता चल जाएगा बच्चे को वो पुराने वाले नंबर याद आ गए बच्चे थोड़े से भूले बैठे हैं कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ भूल जाते हैं लेकिन रिमाइंड आपने करवाना है क्योंकि अब हम क्या किस तरफ जाएंगे आज के लेसन की तरफ जाएंगे तो आज के लेसन में हम पहले तो पिछला जर्नी रिवाइज़ करेंगे कि हम वन से टेन थाउजेंड तक कैसे पहुंचे थे तो हमारे सामने ये आया जी ये ये किसका सिक्का है उछालने के लिए यूज करते हैं टॉस के लिए अब यूज करते हैं तो ये कितने हैं वन तो यहाँ पे आपने लिखा वन अब ये क्या हुए? टू तो आप क्या करेंगे आप यहाँ पे क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे टू अब जब थ्री होंगे तो आप क्या लिखेंगे थ्री फोर होंगे तो फोर लिखेंगे फाइव होंगे तो फाइव लिखेंगे सिक्स होंगे तो सिक्स सेवन होंगे सेवन अब ये क्या है जी ये वनस हैं और वंस में आपको पता नाइन की प्लेस होती है नाइन से व डिजिट आप वहां पर नहीं लिख सकते तो नाइन हो गए नाइन हो गए किसी और ने आपको एक रुपया दिया तो हाउ मच रुपीज इट बिकम्स इट बिकम्स टेन रुपीज तो क्या बन गया आपके टेन अब टेन में क्या होता है जब आप टेन पे पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि ये सारे तो खत्म हो गए क्योंकि ये आपने ऐड करके टेन में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो और यहाँ पे क्या आ जाएगा वन अब अगर एक और रुपी में शामिल करें तो क्या होगा तो आप देखेंगे यहां वन हो जाएगा एक ऐड करेंगे तो हम इलेवन फिर दो होंगे तो ट्वेल्व हो जाएगा थ्री होंगे थर्टीन हो जाएगा फोर होंगे फिर फोरटीन फाइव होंगे फिफ्टीन इस तरह जैसे जैसे वहां से एडिशन ऑफ वन होता जाएगा तो यहाँ से नंबर्स क्या होते जाएंगे चेंज होते जाएंगे जब आपके नाइनटीन तक नंबर हो जाएंगे तो फिर आपका क्या बनेगा ट्वेंटी टू टेंस का क्या होता है ट्वेंटी अब ट्वेंटी अब ट्वेंटी में भी वही वही सिलसिला उसी तरह रिवाइज करेंगे ये ट्वेंटी है तो यहाँ पे क्या टेंस में क्या आएगा टू और अगर वन है आपने ये लिया तो क्या बना ट्वेंटी वन अगर आपने एक और सिक्का ले लिया तो क्या बना ट्वेंटी टू एक और ले लिया तो ट्वेंटी थ्री इस तरह बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे कहाँ तक ट्वेंटी नाइन तक ट्वेंटी नाइन के बाद क्या हो जाएगा थर्टी अब बताएं थर्टी से थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव कहाँ तक थर्टी नाइन तक फिर क्या हो जाएगा फोर्टी फोर्टी के बाद फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइन्टी अब देखें नाइन्टी नाइन्टी के बाद टें वैल्यू एंडेड अब हम किस में जाएंगे हंड्रेड में नाइन्टीज हैं और उसमें टेन ऐड करेंगे टेन होंगे तो क्या बन जाएगा आपका हंड्रेड अब यहां पे भी आप देखेंगे वन हंड्रेड इटमी हंड्रेड में वन आ गया अब यहाँ से अगर एक कॉइन होगा तो यहाँ वन चूंकि टेंस कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा जीरो और फिर टू आएंगे तो यहाँ पे टू हो जाएगा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब ये काउंटिंग उसी तरह चल पड़ेगी जैसे ये काउंटिंग स्टार्ट हुई थी ठीक है अब वन हंड्रेड है टू होंगे तो टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड एंड नाइन हंड्रेड अब आप बताएंगे नाइन हंड्रेड के बाद हम किस बॉक्स में जाएंगे थाउजेंड में जाएंगे थाउजेंड में जाएंगे तो वन थाउजेंड अब यहां भी आप देखेंगे वन थाउजेंड अब वन थाउजेंड में अगर वन से स्टार्ट करेंगे तो चूंकि यहां पे हंड्रेड का भी कोई फिगर नहीं है टेंस का भी कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे क्या वन थाउजेंड एंड वन फिर एक और ऐड करेंगे तो वन थाउजेंड टू एक और ऐड करेंगे वन थाउजेंड थ्री इस तरह ये काउंटिंग उसी तरह दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी और फिर हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो कहां पे आएंगे टू थाउजेंड पे थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड सेवन थाउजेंड एट थाउजेंड एंड नाइन थाउजेंड नाइन के बाद क्या आता है बेटे टेन थाउजेंड लेकिन आपको पता टेन थाउजेंड का तो रुपी का नोट नहीं होता तो कौन से होते हैं यस फाइव थाउजेंड के टू रुपीस क्या बनते हैं टेन थाउजेंड ठीक है अब आपने क्या करना है टेन थाउजेंड के टेन नोट्स जब आपके सामने होंगे तो आपने क्या हो जाएगा टेन थाउजेंड के टेन नोट्स हुए तो आपका बनेगा क्या बनेगा अभी देखते हैं पहले अगर हंड्रेड नोट्स ऑफ थाउजेंड हंड्रेड नोट्स ऑफ थाउजेंड होंगे तो आपका क्या बनेगा ये बनेगा वन हंड्रेड थाउजेंड याद रखें कि अभी हम पहले क्या कर रहे थे फाइव डिजिट नंबर फाइव डिजिट नंबर में सबसे जो लोएस्ट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो नाइनटीन नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन क्या होता है ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर लेकिन इसमें ए वन एड करने से क्या बनता है हमारा वन हंड्रेड थाउजेंड विच इज बिगेस्ट स्मॉलेस्ट वो स्मॉल ग्रेटेस्ट था ये क्या बनेगा स्मॉलेस्ट ये देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने डिजिट हैं सिक्स डिजिट तो क्या नंबर बनेगा सिक्स डिजिट नंबर अब आपने देखा कि हंड्रेड नोट ऑफ थाउजेंड हो तो क्या बनता है वन हंड्रेड थाउजेंड और फर्स्ट जो नंबर होता है फर्स्ट सिक्स डिजिट नंबर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वन हंड्रेड थाउजेंड और यहाँ पे एक और चीज देखेंगे अभी हमने फाइव थाउजेंड के नोट्स देखे थे फाइव थाउजेंड के नोट्स में आपने देखा कि कितने नोट्स होंगे तो वो वन हंड्रेड थाउजेंड बनेगा ट्वेंटी नोट्स ऑफ फाइव थाउजेंड अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका वन हंड्रेड थाउजेंड बनेगा वन हंड्रेड थाउजेंड के नंबर था आपको आगे समझ अब यहाँ पे आपने दोबारा में रखना है कि द ग्रेट फाइव डिजिट नंबर क्या होता है नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन और फर्स्ट सिक्स डिजिट नंबर क्या होता है वन हंड्रेड थाउजेंड द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर आपने क्या करना है अभी आपको ये नंबर्स आ गए हैं समझ अब आपने क्या करना है ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ग्रुप एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेंगे ये देख रहे हैं सब बच्चों को नजर आ रही है ये इसको फोल्ड करेंगे कर दिया आपने फोल्ड जब आप बैठे हैं तो ऐसे आप मेरी तरह बैठे हैं इसकी एक अपर साइड होगी एक इसकी लोअर साइड होगी आपने लोअर साइड पे कोई भी नंबर लिखना है सपोज मैंने लिख लिया फाइव या मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपने किसी को नहीं बताना बताने के बाद आपने ऐसे करके अपने पास रख लेना है क्योंकि सस्पेंस है किसी को पता चलना चाहिए कभी भी नहीं पता चलना चाहिए अब देखें आपने ऐसे करके रख लिया अब आप क्या करेंगे ये एक्टिविटी थ्री टू सिक्स बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं अगर सिक्स हो तो हमारा सिक्स टीचर नंबर बन जाएगा ठीक है अभी हमने क्या करना है ये आपने क्लोज कर दिए क्लोज़ करने के बाद आपने क्या करने हैं जब छः के छः बच्चे अपने उस पर नंबर लिख लेंगे अब आपने इसको दोबारा ओपन करना है टीचर आपको बताएगी आपने एक साइड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स फिफ्थ सिक्स ठीक है तो आपने राइट right साइड से या लेफ्ट साइड से टीचर आपको गाइड करेंगी तो जो फर्स्ट बच्चा बैठा होगा वो अपने इसके ऊपर लिखेगा ओ ओ मीन्स वंस जो सेकंड बैठा होगा वो लिखेगा टी जो थर्ड बैठा होगा वो क्या लिखेगा पहला लिखेगा वंस सेकंड लिखेगा टेंस तीसरा क्या लिखेगा हंड्रेड चौथा क्या लिखेगा थाउजेंड पांचवा लिखेगा टेन थाउजेंड और लास्ट वाला क्या लिखेगा हंड्रेड थाउजेंड जब आप ये लिख लेंगे लिखने के बाद आपने क्या करना है आपने इस तरह से पोस्ट करने हैं ये ये देखें ये नजर आ रहे हैं ये मैंने भी आपकी तरह बच्चा बन के ये बनाए हैं और ये अभी पेस्ट किए हैं आपने इसी तरह टीचर को पेस्ट करके दिखाने हैं पेस्ट करने के बाद अब आपने टीचर को बताना है कि किस किस नंबर की कौन कौन सी प्लेस वैल्यू है जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है तो आप क्या कहेंगे इसकी वैल्यू क्या है थाउजेंड तो यहां पे क्या लिखा नाइन तो क्या बना नाइन थाउजेंड ठीक है बच्चों अभी इसके पूछें तो क्या होगी यहाँ पे देखें टी है टी इन टेंस तो टू टेंस अब टू टेंस आपको क्या होता है पता होता है टू टेंस होता है, टेंस होता है ट्वेंटी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ठीक है थीके? ये बेटा आपने एक्टिविटी किसके साथ करनी है टीचर आपको सुपरवाइज करेंगी टीचर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करें परफॉर्म करेंगे बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे आपने बच्चों को ये एक्टिविटी करने देनी है और जब बच्चे हर टेबल पे थ्री टू फाइव नंबर्स बना लेंगे उनकी प्लेस वैल्यू को एक्सप्लेन कर लेंगे फिर आपने इनको किसकी तरफ लेके जाना है आ, नेक्स्ट आपको पता है ग्रुप एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी होती है जी इसके बाद होती है इंडिविजुअल वर्क इंडिविजुअल वर्क पर जाने से पहले ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि क्या बच्चों को ग्रुप वर्क में ये समझ आ गया कि नहीं आया तो आप जल्दी से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे इसके बाद हम रीजॉइन हो रहे हैं ओके बी क्विक इसको परफॉर्म करें और फिर हम छोटे से पॉज के बाद वापस आते हैं एक्सीलेंट बच्चों मॉबलस आपने ग्रुप एक्टिविटी में शो किया कि आपको प्लेस वैल्यूज की समझ आ गई है अभी हम क्या करेंगे अभी हम यही टास्क करेंगे कि इसमें इंडिविजुअल वर्क में अपने अपने डेस्क पे बच्चा अपनी परफॉर्मेंस शो करेगा कैसे आपको प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन है ठीक है तो उसमें ये इस तरह नंबर्स गिवन है आपने क्या करना है टेन थाउजेंड थाउजेंड हंड्रेड टेन वंस इनको क्या करना है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म अब एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी होती है जैसे सपोज ये देखें फिफ्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो अब इसको क्या लिखेंगे हम ये ये देखें क्या है फिफ्टी थाउजेंड प्लस यहां देखें सिक्स थाउजेंड अब यहां पे क्या है नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड इनके बीच में प्लस होगा तो ये कौन सी होती है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जब आप एक नंबर की फॉर्म में उनको शो कर देते हैं दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म तो जल्दी से आपने ये टीचर को करके दिखाना है ठीक है इससे आपने नंबर बनाना है उस नंबर को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में भी शो करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी शो करना है तो जल्दी से इस नंबर को आप शो करें तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका टीचर जैसे ही बच्चे ये एक्टिविटी परफॉर्म कर लें तो हम दोबारा रिकनेक्ट होते हैं तो मैं आपका वेट कर रहा हूं जल्दी से बच्चे आप परफॉर्म करें टीचर आपको ऑब्जर्व कर रही हैं और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो टीचर उसकी हेल्प करेंगी और जिस बच्चे ने काम कर लिया है वो दूसरे बच्चे की मदद करेगा ताकि वो इस क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट कर ले ओके आई एम वेटिंग फॉर यू माइंड ब्लोइंग रिजल्ट दिया आपने इंडिविजुअल वर्क में अब हम क्या करेंगे आज का रैप अप रैपअप में देखेंगे सबसे पहले कि हमारा आज का एस एल ओ क्या था हमारा आज का एस एल ओ था आइडेंटिफाई प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट अप वन हंड्रेड थाउजेंड आपको वन हंड्रेड थाउजेंड तक के नंबर्स और उनकी प्लेस वैल्यू को एक्सप्लेन करना आ गया अभी आप क्या करेंगे रैपअप में आप आ, क्या करेंगे एग्जाम्पल टू बुक में जाएंगे एग्जाम्पल टू आप देखेंगे वहां पे ये आपको नंबर गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर गिवन है यहाँ पे आप क्या करेंगे इसमें आपने बताना है एट की प्लेस वैल्यू क्या होगी फोर की क्या होगी टू की क्या होगी फोर की क्या होगी थ्री की क्या होगी एट का मैं यहाँ पे लिख देता हूं एट स्टैंड फॉर एट अब देखें वंस पे अगर वन हो तो वन टू हो तो टू थ्री हो तो थ्री अब नेक्स्ट फोर पे क्या होगी फोर टाइम्स आपको पता है कितने होते हैं फोर टाइम्स आपको पता है फोटी होते हैं तो यहाँ पे फोर्टी लिखेंगे दो मैंने आपको हिंट्स दे दिए बाकी सारा नंबर किसने लिखना है आपने लिखना है और मुझे पता है कि आप इतने फास्ट हो चुके हैं कि आप टीचर को सब कुछ जल्दी से करके दिखाएंगे ओके okay, इनको करके दिखाएं टीचर ये जैसे ही बच्चे कंप्लीट कर लें तो हम दोबारा कनेक्ट होते हैं ओके आई एम वेटिंग फॉर यू बेटा आपने बता दिया कि आप बहुत तेज हो गए हैं आपने रैप अप में भी टीचर को बता दिया कि हमें ऐसे लो मुकम्मल तौर पे समझ आ गया है मुझे पता है कि अब आप चाहते हैं कि आपको क्या दिया जाए होमवर्क दिया जाए तो होमवर्क में आपने क्या करना है आप देखें कि एक्सरसाइज वन ए क्वेश्चन गिवन है द प्लेस ऑफ चार्ट गिवन बिलो काउंट टेन थाउजेंड थाउजेंड हंड्रेड एंड वंस इनको काउंट करना है आपने और किस फॉर्म में लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों फॉर्म में लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है कि पहले टेन थाउजेंड का नंबर आप लिखेंगे प्लस थाउजेंड का लिखेंगे प्लस हंड्रेड प्लस एंड प्लस वंस फिर आपने जो कंप्लीट नंबर इस फॉर्म में लिखेंगे दिस इज कॉल्ड कोई भी नंबर आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म तो जल्दी से आपने घर में जाते ही जैसे ही बैग रखें आपको जब मैथमेटिक्स का काम समझ आ जाए तो क्या आपको फील होता है कि आपका जहन तेज़ी से चलना शुरू हो गया तो इसको रोकना नहीं है घर में जाते ही सबसे पहले बैग ओपन करना है और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ठीक है अभी आपको इंतज़ार होगा किसका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट का तो वो हम देखते हैं क्या होगी आपने, है, आपने क्या करना है यहाँ पे एक नंबर कितने फोर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टी फाइव आपने क्या करना है लिखा हुआ है कलर द डिजिट इन वन प्लेस उसको क्या करना है ब्लू तो यहां से एक कलर मैं आपको करके देता हूं और बाकी सारे आप खुद करेंगे इसको क्या करेंगे ब्लू कलर करेंगे ओहो मेरे तो बहुत बुरा लग रहा है कलर करने थे लेकिन आप बहुत अच्छे कलर करते हैं आपने इनको खूबसूरत से कलर करके लेके आने हैं करके ला के किसको दिखाने हैं टीचर को दिखाने हैं तो टीचर को पता चल जाएगा कि आपको प्ले, प्लेस वैल्यू की समझ आ गई है कि कहीं भी हंड्रेड थाउजेंड तक कोई भी डिजिट गिवन हो कोई भी नंबर गिवन हो तो बच्चे उसकी प्लेस वैल्यू को क्या कर सकते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं उसको लिख के दिखा सकते हैं तो आज के इस लेसन को बेहतर तौर पे समझने के लिए आप क्या करेंगे कैंटा पब्लिशर को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करने से एक छोटा सा ये लिंक निकलेगा इस लिंक को क्लिक करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप हमारे लेसन प्लान हमारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क और हमारी पावर पॉइंट स्लाइड्स को डाउनलोड करने के काबिल होंगे और इस सेशन को बेहतर तरीके पर एग्जीक्यूट करने के काबिल होंगे तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट लेसन अच्छा लगा होगा टीचर एंड स्टूडेंट्स मुझे आपकी यही एनर्जी रिक्वायर्ड है नेक्स्ट लेसन्स के लिए तो टिल नेक्स्ट लेसन्स अल्लाह हाफिज